ठीक है। अब आता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ऐसे सेकेंडरी स्ट्रक्चर को प्रोटीन को देखते हैं, ये थोड़ा डिफरेंट है इससे। इस स्ट्रक्चर में पॉलीपेप्टाइड चेन सीधी ना होकर स्पाइलर, मतलब स्ट्रेट ना होकर स्पाइलर, हेलिकल और फोल्डेड बनाती है। मतलब इसमें क्या होती है, सीधी स्ट्रेट ना होकर, सीधी ना होकर स्पाइलर या हेलिकल के रूप में फोल्डेड बनाती है। इसमें एक अमीनो एसिड के NH2 ग्रुप का हाइड्रोजन दूसरे अमीनो एसिड के COCOH ग्रुप के ऑक्सीजन से हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा अटैच रहता है। कहने का मतलब ये है, इसका जो अमीनो एसिड का NH2 ग्रुप है वो हाइड्रोजन के, मतलब हाइड्रोजन H2 के अमीनो एसिड से COOH ग्रुप के मतलब ऑक्सीजन से हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा अटैच रहता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे वूल हो गई, मतलब वूल माने ऊन, ऊन हो गया, हेयर हो गया और नाइलॉन हो गया। ये सारे पार्ट किसके हैं, एग्जाम्पल सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के, ठीक है। वूल माने ऊन, हेयर माने बाल और नाइलॉन जो हमारे पास होता है, नाइलॉन के टायर बनाए जाते हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर हो गया सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का। तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है,